कोरोना वायरस की इस वबा के दिनों में अरबी जुबान में शाया होने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक एक शख्स ने अपने दोस्त से कहा कि यार तुम जिस दरिया दिली से गरीबों पर पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि ये बहरान तूल पकड़े और तुम्हारे पैसे कम पड़ जाएं और ख़ुद तुम्हें पैसे की ज़रूरत पेश आ जाए। मजमून नगार कहता है कि मेरा ख्याल था कि इसका जवाब होगा सदका करने से माल कम नहीं होता, या फिर खर्च कीजिए ताकि तुम पर खर्च किया जाए, लेकिन मेरे लिए इसका जवाब बिल्कुल नया था। वो पूरे वसूख से बोला, खर्च करने वाले शहीदों की तरह हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी ना उन पर डर है और ना वो गमगीन होंगे। साहब मजमून कहते हैं, मैंने कुरान मजीद खोल कर देखा तो वाकई में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की बिशारत शोहदा और माल खर्च करने वाले दोनों तबकों के हक में है। सूरह बकरा की 274वीं आयत में माल खर्च करने वालों के हक में दो बार ये आयत और बिशारत आई है। आयत का तर्जुमा यह है कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में दिन और रात छुपाकर और जाहिर खर्च करते हैं तो उनके लिए अपने रब के यहाँ सवाब है, उन पर ना कोई डर है और ना वो गमगीन होंगे। और 262वीं आयत का तर्जुमा है कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर खर्च करने के बाद ना एहसान रखते हैं और ना सताते हैं, उन्हीं के लिए अपने रब के यहाँ सवाब है और उन पर ना कोई डर है और ना वो गमगीन होंगे। ये भी याद रहे कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 170 में शोहदा के हक में ऐसी बिशारत आई है। आयत का तर्जुमा ये है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा ना समझो बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के हाथ से रिस्क दिए जाते हैं, अल्लाह ने अपने फ़जल से जो उन्हें दिया है उस पर खुश होने वाले हैं और उनकी तरफ से भी खुश होते हैं जो अभी तक उनके पीछे से उनके पास नहीं पहुंचे, इसलिए कि ना उन पर खौफ है और ना वो गम खाएंगे। साहब मजमून इसके बाद लिखते हैं कि मेरी तवज्जो पहली बार इस तरफ गई थी कि माल खर्च करने वाले शोहदा की तरह है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर डर है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ास तौर पर कोरोना वबा के इन दिनों में जब हर दूसरा शख्स माली मुश्किलात का शिकार है, गुर्बत और बदहाली ने घर घर डेरे डाल दिए हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे कि अपनी हिम्मत और इस्तेताद के मुताबिक गरीबों और सफ़ेद पोशों की मदद करके ख़ुद को जन्नत का हकदार बना सकें। अपना और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।